हिंदू जीवन शैली अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। इस जीवन शैली से जुड़े लोग पर्यावरण के हर हिस्से को पूजनीय मानते हैं और इसी जीवन शैली से जुड़ा एक पर्व गोपाष्टमी, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है और जिसमें गोधन की पूजा की जाती है। इसी पर्व से जुड़ी अनेक दंत कथाएं हैं, जो कि एक दंत कथा श्री कृष्ण जी के चरित्र को भी चरितार्थ करती है। आइए इस दंत कथा के बारे में जानते हैं पंडित श्याम सुंदर शास्त्री जी से। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। गौ माता के संदर्भ में एक ये भी कथा आती है कि भगवान कृष्ण आज के दिन मैया जसोदा से कहने लगे, मैया मैं भी गौ चराने जाऊंगा, मेरे जो दोस्त हैं ग्वाल बाल सब जाते हैं, मैं भी जाऊंगा। मैया कहने लगी, अरे नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, तो तुम अभी कैसे जाओगे, तुम्हारे जो सखा हैं वो तो बड़े हैं, तो गैया बड़ी बड़ी हैं, तो आप छोटे हो, कैसे चरा पाओगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैया फिर छोटे छोटे बछड़े हैं, मैं उन बछड़ों को ही चराऊंगा। मैया इस बात सुन करके चुप हो गई। फिर मैया ने कहा कि नहीं, अभी तुम छोटे हो और थोड़े बड़े हो जाओ। फिर कृष्ण भगवान रोने लग गए। उनकी रुलाई को सुन करके नंद बाबा आए। नंद बाबा ने कहा, क्यों, क्या हुआ कन्हैया, क्यों रो रहे हो। मैया ने कहा, ये जिद कर रहा कि मुझे गौ चराने जाना है। कृष्ण भगवान जब कहने लगे, नहीं बाबा, मुझे गौ चराने जाना है, तो नंद बाबा ने कहा, चलो ठीक है, फिर मैं पुरोहित जी को बुला करके इसका मुहूर्त निकलवाता हूँ, कब मुहूर्त निकलता है। तो कृष्ण भगवान ने उत्साहित होकर कहा, बाबा बाबा, मैं खुद जा करके पुरोहित जी को बुला कर लाता हूँ। नंद बाबा ने कहा, चलो ठीक है, जाओ। भागते हुए कृष्ण भगवान गए, पुरोहित जी को लेकर के आए। रास्ते में पुरोहित जी को कृष्ण भगवान कहते भी जा रहे हैं, पुरोहित जी जल्दी का मुहूर्त निकालिएगा, आज का ही मुहूर्त निकाल दीजिएगा, फिर मैं आपको बहुत धन दूंगा, और अगर आज का मुहूर्त नहीं निकाले तो फिर आपकी हमारी हो जाएगी। भगवान जब पुरोहित जी को कृष्ण भगवान जब नंद बाबा के पास लेकर के आए, तो जब नंद बाबा ने कहा, हमारा लाला गौ चराने का हट कर रहा है, आप इसके लिए मुहूर्त निकालिए। पुरोहित जी पंचांग खोल करके मुहूर्त देखने लगे, कभी अंगुली पर गिनते हैं, कभी कमर पर हाथ रखते हैं पुरोहित जी, कभी माथे पर। नंद बाबा ने उनके हाव भाव को समझकर पुरोहित जी से बोले, महाराज क्या बात है, आप इतने कुछ असमंजस में पड़ गए। पुरोहित जी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, आज का ही दिन गौचारण का बहुत सुंदर दिव्य मुहूर्त निकल रहा है, आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन ही कार्तिक मास भी है और ये सुंदर मास है, कार्तिक सबसे उत्तम मास है, शुक्ल पक्ष भी है और तिथि भी अष्टमी है, इसलिए गौचारण के लिए बहुत दिव्य आज क्या ही निकल रहा है, इसके बाद फिर एक साल तक गौचारण का कोई मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने फिर अपने सभी सभासदों को बुलाया, कहा कि आज से हमारा नंदलाल जो है गौ चराने जा रहा है, तो इसके लिए आज का मुहूर्त है, तो इसके लिए कोई उत्सव होना चाहिए। बड़ा ही दिव्य उत्सव मनाया गया नंद बाबा के नगर में। मैया ने कृष्ण भगवान का श्रृंगार किया, जब श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके पूरा अच्छी तरह सजा के जब कृष्ण भगवान को पादुका पहनाने लगी, तो भगवान ने कहा, नहीं मैया मैं पादुका नहीं पहनूंगा। तो मैया ने पूछा, क्यों। बोला, गौ माता को अगर मुझे पादुका पहनाना तो गौ को भी पादुका, गौ माता को पादुका पहनाओ, तब मैं पहनूंगा। मैया कहने लगी, अरे लाला, तेरी बाबा की गैया 9 लाख हैं और गैया पादुका कैसे पहनेंगी, उनके तो खूर हैं। तो बाबा ने कहा, नंद कृष्ण भगवान ने कहा, फिर मैं भी नहीं पहनूंगा और मैं भी अब गैया गौ माता से प्रार्थना करूंगा कि जिसने आपको बनाया वो मुझे भी अब आप जैसे खूर बनावे। ऐसे कह करके फिर बहुत सी ही उत्सव के बाद आज के दिन भगवान कृष्ण को गौ चराने के लिए भेजा गया, इसलिए गोपा अष्टमी के नाम से यह अष्टमी प्रसिद्ध हुआ। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, तो भगवान के गौ चराने के चलते गोपा अष्टमी इसका प्रसिद्ध हुआ। और ऐसे भी आज के दिन कामधेनु गौ माता का जन्म
भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुई थी कामधेनु गौ माता, इसलिए भी गोपाष्टमी आज मनाया जाता है। बल वृंदावन विहारी लाल की जय।